सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस समय राहुल वैद्य की पत्नी यानी दिशा परमार जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। जैसे कि सभी दोस्तों को पता ही चल गया होगा कि राहुल वैद्य और दिशा परमार ने हाल ही में ही शादी की थी और शादी के काफ़ी महीने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी खुश भी हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि आउट ऑफ स्टेशन एक दूसरे के साथ में मजे मस्ती करते हुए भी दोनों नज़र आते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिग बॉस के टाइम से जैस्मिन भसीन और अली गोनी के साथ में राहुल वैद्य ने बिग बॉस में नज़र आए थे बिग बॉस 14 में, और वाकई में अच्छा खासा गेम खेला था। राहुल वैद्य फाइनलिस्ट थे बिग बॉस के अंदर और वहीं पे ही उन्होंने दिशा परमार को प्रपोज किया था। प्रपोज करने के कुछ ही समय के बाद में दिशा परमार आखिरकार बिग बॉस में लौटी और उन्होंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके और पूरी तरीक़ा से राहुल वैद्य को विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ में शादी के बंधन में बंधेंगी और डायरेक्टली शादी के बंधन में ही बंधेंगी। और राहुल वैद्य एंड दिशा परमार ने हंसी खुशी एक दूसरे के साथ में शादी के बंधन में बंधे, जिसमें कि शादी में काफ़ी बड़ी हस्ती शामिल हुई थी। जैस्मिन भसीन एंड अली गोनी भी नज़र आए थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अली गोनी एंड जैस्मिन भसीन ने बिग बॉस में राहुल वैद्य को काफ़ी सपोर्ट किया था, आउट ऑफ जाकर सपोर्ट किया था, जिसमें कि आज भी बोला जाता है। राहुल वैद्य बताते हैं कि जैस्मिन भसीन उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और राहुल वैद्य ने ये भी बताया था कि अली गोनी उनकी कहीं ना कहीं उनकी जान बसती है अली गोनी के अंदर। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जल्दी ही राहुल वैद्य एक बार फिर से अपने फैंस के लिए गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। जो फैन चाहते थे उनके कि राहुल वैद्य जल्दी से गुड न्यूज़ दें, ये गुड न्यूज़ जल्दी ही आप लोगों के बीच में होने जा रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल वैद्य एक ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने काफ़ी अपना बड़ा नाम किया है अपनी काबिलियत के बस पर, और जल्दी ही वो अपना एक बार फिर से नया मुकाम हासिल करते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइज, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।